हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे एक बहुत सी बढ़िया सा प्यारा सा राग कलावती। कलावती ओडव जाति का 5 स्वरों वाला बहुत ही स्वीट राग है। इस राग की एक अद्दा ताल में बंदिश है, काहे तरसाए जियरा। तो इस बंदिश को हम अभी लाइन टू लाइन नोटेशन के साथ सीखने के लिए जा रहे हैं। उसके पहले राग कलावती का मैं थोड़ा परिचय आपको दे दूं। तो सबसे पहले कलावती का एक दोहा है, सुनिए। कलावती रीम वर्ज्य कर कोमल लियो निषाद। कलावती रीम वर्ज्य कर कोमल लियो निषाद, पसावादी संवादिते द्वितीय निशी को गात। री म यानि रे और म ऋषभ मध्यम दोनों वर्जित है। सा ग प ध नि सा 5 स्वर है, ओडव जाति का राग है और इसमें नी आरोह में और अवरोह में दोनों में कोमल ही लगता है। शुद्ध निषाद भी नहीं है, ओनली कोमल निषाद। इस राग का गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इस राग की प्रकृति गंभीर एवं सिंगार रस के लिए उचित है। मुख्यतः ये कर्नाटकी पद्धति का राग है, लेकिन आजकल उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति में भी ये बहुत ही फेमस हो चुका है। नी कोमल होने से ये खमाज ठाट का राग माना गया है। इस राग में और आरोह में नी वक्र लगेगा, लेकिन अवरोह में सीधा आएगा। सा नी द प इस तरह से आएगा, लेकिन आरोह में प ध नि सा इस तरह से नहीं जाएगा। सा ग प नि द सा इस तरह से वक्र है, वक्र स्वरूप लेते हुए आगे जाएगा। इस राग में न्यास के स्वर है ग और प। एक बार आरोह अवरोह और पकड़ देख लेते हैं। वैसे इस राग में रे वर्ज्य है, लेकिन जब ग से सा पे जाते हैं तो थोड़ा सा स्पर्श अलाउड है, ले सकते हैं। ग सा ऐसे नहीं लेते हैं। ग सा पकड़। ग प ध नि द प ग प ग सा। तो ये हो गया पूरा परिचय राग कलावती का। अब पूरी बंदिश मैं आपको वन बाय वन नोटेशन के साथ सिखाऊं। इससे पहले इसको एक बार ताल के साथ बांसुरी पे सुन लेते हैं। इसी स्केल में काली पांच में मैं आपको बजा के सुनाता हूं।
बंदिश राग कलावती में, ताल अद्धा, स्केल था काली पांच, छोटी फ्लूट भी काली पांच की थी, ये बड़ी फ्लूट भी काली पांच की थी। अद्धा ताल में टेम्पो था पहले 140 140 बीपीएम और बाद में 160 बीपीएम। तो लीजिए अब हम इसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप भी ये बंदिश बजा पाएं। राग कलावती की ये बहुत प्यारी सी बंदिश है। इसी प्योर क्लासिकल बंदिश को फिल्म चित्रलेखा, जो कि 1964 का बहुत ओल्ड पिक्चर है चित्रलेखा, उसमें इसी बंदिश को उठा के लिया गया है। इस बंदिश को उस फिल्म में चित्रलेखा में उषा मंगेशकर एवं आशा भोसले ने गाया है। तो चलिए हम इसकी एक एक लाइन बाय लाइन नोटेशन के साथ तैयार करते हैं। तो पहली लाइन है, काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए सासानी ध पध ध ग पद सा निध पध ध निध पग प निध पग ध प। काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए जियरा निध प ग ध प ग प ध प ग सा सा नि सा ग सा ग प ग प ग प ध नि ध सा रे ग सा नि ध प सा सा नि र प ध द। फिर से पूरी पूरी लाइन, नोटेशन फिर से पहली लाइन, काहे तरसाए सा सा नि द प ध द, यहां नी हर जगह पे कोमल लगेगा, सा सा नि द प ध द ग प द सा सा नि प ध द, ये थोड़ा वेरिएशन ले सकते हैं, सा सा नि प ध द निध प ग ध प ग ग प ध प ग सा सा नि सा सा ग सा ग प ग प ग प ध नि ध सा रे ग सा नि ध प सा सा नि प ध ध काहे तरसाए। ये मुखड़ा आ जाता है तुरंत। ये जो दूसरी लाइन है, जियरा निध प ग प ग निध प ग ध प ग, ये प जो है ध के स्पर्श से लेना है, निध प ग प ग ध प ग। फिर जियरा ग प ध प ग सा यौवन यौवन ऋतु सजन जाके न आए, काहे तरसा। तो आगे जियरा जी जियरा यवन ऋतु सा नि सा सा ग यवन ऋतु सा नि सा सा ग साजन जाके न स
साजन जाके न सा ग प ग प ग प द नि द आ ए सा रे ग सा नि द प जाके न आ ए जाके न ग प ग प द नि द सा रे ग सा नि द प सा सा नि प ध र कहे तर साए जिय रा ग प द सा कहे तर साए सा सा नि प ध ध ग प द सा 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 नि प ध द नि द प ग प जे रा नि द प ग ध प। तो ये हो गई साई, बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन बजाने में बहुत मजा आएगा और ये ताल अद्धा ताल के साथ और अच्छी लगेगी। अभी इसका अंतरा देख लेते हैं। नित नित जागे ना नित नित जागे ना गपरे ने दसानी नि सा सा याने साप में दो और वेरिएशन ओरिजिनल पिक्चर के सॉन्ग में भी किया है, यहां भी करते हैं। नित नित जागे ना नित नित जागे ना गप नि नि द सा सा नि सा रे नि द प ठीक से ग प नि नि द सा सा नि सा रे नि द प नि त नि त जा जागे ना ग प नि नि द सा नि सा रे नि द प नि त नि त जा जागे ना। ये दूसरा वेरिएशन है। नित नित जागे ना ग प नि नि द सा नि द प ग प नि द ग ग प नि नि द सा नि द प ग प नि द र नि त नि त जागे ना ग प नि नि द सा नि द प ग प नि द प। फिर से इसके बाद ये दो वेरिएशन के बाद फिर से पहली लाइन। नित नित जागे ना ये पहली लाइन फिर से आ जाएगी। नित नित जागे ना ग प नि नि द सा नि नि सा प सोया सिंगार
सोया सिंगार फिर आगे सोया सिंगार सोया सिंगार पगार गसानी द पग पग सानी साग जन 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 न सा ग प ग प प पद नी र नी र प पग सा नी सा ग सा ग प ग प पद नी र नी र प पग स नी सा ग सा ग प ग प पद नी र नी र प पग स नी सा ग सा ग प ग प पद नी र नी र प पग स नी सा ग सा ग प ग प पद नी द नी द प जनन जन जनन नित ना बुलाए काहे द नी द काहे जियरा तरसाए द नी द सागर ग सारे नी द काहे जियरा तरसाए काहे तरसा यहाँ मुखड़ा आ जाएगा तो मुखड़े से पहले वाली लाइन क्या है दनी द सागर ग सागर ग सारे सा नी द दनी द सागर ग सारे सा नी द सा सा नी प ध द काहे तरसाए जियरा ग पद सा काहे तरसाए जियरा निद पग पग नि सा जियरा लास्ट लाइन एक बार फिर से पग स नी सा ग सा ग प ग प पद नी द नी द प द नी द सा कर ग सा रे सा नी द सा सा नी प ध द ग प द सा सा नी प ध द नी द प ग प ग तो यह है पूरी बंदिश राग कलावती में। फिल्मों में भी यही की यही सेम टू सेम बंदिश ली गई है। आप इसकी नोटेशन के साथ तैयार करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ आप आगे पीछे तान भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम हमारे नियम के मुताबिक कलावती राग पर आधारित एक और रचना लास्ट में आपको सुना देते हैं। वैसे नॉर्मली फिल्मी गीत सुनाते हैं, फिल्मी गीत काफ़ी अच्छे अच्छे हैं कलावती राग पर, लेकिन मैं अभी आपको एक भजन सुनाऊँगा। मुक्ति मिले कि ना मिले मुझे भक्ति तुम्हारी करनी है। मुक्ति मिले कि ना मिले मुझे भक्ति तुम्हारी करनी है। ये जो भजन है मैं आपको वास्तविक सुनाता हूँ।
ये राग कलावती का भजन हम बजाएंगे ताल दादरा में, काली पांच के ही ए शार्प के स्केल में, पहले 120 बीपीएम की स्पीड में और बाद में 150 बीपीएम की स्पीड में। सुनिए। Oh,
ये राग कलावती की बंदिश अद्दा ताल में। इसका ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मुझे देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आभार।